अभी हम लोग की तरह ऐसे ऐसे युवा लोग हैं जो बेरोजगारी फॉर्म भर रहे हैं 2000 का कि सरकार बेरोजगार वाला पैसा दे हमको। मेरिट वाले लड़के घूम रहे हैं और बिन मेरिट वाले पैसे जिसके पास वो नौकरी कर रहे हैं, ऐसा तो बिहार का स्थिति है। रोजगार के नाम पे तो सरकार ये बरगला रहा है यार, क्या करेगा ये। सही बोल रहे थे तेजस्वी यादव, सही बोल रहे हैं, 15 लाख छीन ही लिया। मुझे लगता है कि वो बहुत सही कह रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग ये सही है। नीतीश कुमार हमारे सीएम को इस बारे में सोचना चाहिए। और रोजगार तो यहाँ कोई भूल जाइए नहीं मिलने वाला है आपको। हाँ, वो आत्महत्या कर लेगा युवा लोग तब कोई उपाय, कुछ हो नहीं तब पर भी नहीं हो पाएगा। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बिहार के युवाओं को 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सवाल है कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देना तो बहुत दूर, बल्कि उल्टा 15 लाख लोगों का रोजगार छिन चुका है। इस पर बिहार के युवा क्या सोचते हैं, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में आने से पहले 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किए थे। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि 19 लाख रोजगार मिलना तो बहुत दूर, 15 लाख लोगों का और छिन गया। क्या लगता है कौन सच कौन झूठ? अरे तो किसी को हम सच झूठ नहीं बता सकते हैं, सब अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर रहा है, अपने मनमर्जी कर रहा है। जितने युवा लोग को है नहीं सही से रोजगार दे पा रहा है सरकार, सरकार में सत्ता आने से पहले सारा को अपना वादा करता है कि इतना युवा को ये रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, अपने हिसाब से वादा करता है, लेकिन वो अपने वादा पर कायम नहीं आता। जब उसको वोट मिल जाता है सही से और वोट लेने के बाद वो अपने आप में बिजी हो जाते हैं, युवा पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए युवा लोग कितना भी जो आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार के चक्कर में, बताइए बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। अभी हम लोग की तरह ऐसे ऐसे युवा लोग हैं जो बेरोजगारी फॉर्म भर रहे हैं 2000 का कि सरकार बेरोजगार वाला पैसा दे हमको। हाँ, और रोजगार दे ही नहीं रहा, इतना पढ़ रहा है, डिग्री लेके रखा हुआ है, लेकिन अगर जाने पर जॉब नहीं मिल पाता है, निकाल दिया जाता है, उसमें भी आपको जॉब लेने के लिए कहेगा कि भाई घूस लो, घूस देना पड़ता है उसमें, तब लगता है। यहाँ पर आप कितना भी डिग्री लेकर रखे हुए हैं, SSC करा करके रखे हुए हैं, SSC CGL भी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन आपको नेता से पहुँच है, आदमी से पहुँच है, SSC में आपके पास अभी पहुँच है, तो आपको जॉब मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा पीछे के पीछे रह जाइएगा। बाकी सारा सीट यहाँ पर बिकता है, पहले ही से ही बुकिंग रहता है सीट का। मतलब फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा पैसा और पहचान होना, बस पैसा पहचान है। यहाँ पर अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस है, पैसा आपके पास है, पहुँच है, बस आप कर सकते हैं। जहाँ IAS बनी IAS बन सकते हैं, यहाँ पे हमारे बिहार की बात कर रहे हैं, खासकर हमारे नेते लोग के बारे में। हम 100% सही बोल रहे हैं, आपके पास पैसा है, पहुंच है, तो आप पुलिस बन सकते हैं, आप SSC क्रैक कर सकते। अब आप बताइए SSC का जो CGL का या मेंस का किस तरह से हल किया हुआ है, इस तरह से रिजल्ट आता है? युवा लोग अभी एक रिजल्ट के पीछे साला पड़ा हुआ है, इतना तैयारी करके रखा हुआ है, और युवा लोग उस रिजल्ट के पीछे पड़ा हुआ है, रिजल्ट सही टाइम पर देता ही नहीं है, क्या करेगा युवा लोग? और वही लोग माँ बाप कितना दिन के लिए भेजता है पटना कहीं पर पढ़ने के लिए, कितना किसान के अगर घर से कोई बच्चा आया हुआ है, हम ही मानते हैं किसान के घर से हैं, तो अगर कितना दिन मेरे माँ बाप मतलब अथी कर पाएंगे, कितना दिन पैसा भेज पाएंगे हमको? यहाँ भेजते हैं 5,000-10,000 किसी तरह मेहनत करके, खेत कमाई करके, और यहाँ पर इतना दिन पढ़ते हैं कि चलो इतना टारगेट लेके आते हैं, 2-3 साल पढ़ेंगे, अच्छे से अपना एग्जाम देंगे, पास होंगे, निकलेंगे, लेकिन सही से कुछ होता कहाँ है यहाँ पे? कुछ नहीं होता है सही से, यहाँ पे सारा फ्लॉप चल रहा है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के मामले में अगर कहे बिहार सबसे पिछड़ा, और डाटा भी आप देख लीजिए, डाटा भी आप निकाल के देख लीजिए, बिहार एजुकेशन सिस्टम के मामले में सबसे पीछे है। हाँ, सारा रिजल्ट हो SSC का, रेलवे का हो, दुनिया का हो, सब में धांधली चल ही रहा है, और बाकी रिजल्ट के मामले में हो तो देख ही रहे हैं, और बाकी रोजगार तो यहाँ कोई भूल जाइए नहीं मिलने वाला है आपको। हाँ, वो आत्महत्या कर लेगा युवा लोग तब कोई उपाय, कुछ हो नहीं तब पर भी नहीं हो पाएगा, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। हर साल तो बच्चे 10 लाख से 20 लाख रुपया, 10 लाख से 20 लाख बच्चे तो 12th ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हर साल तो 20 लाख बच्चे भर रहे हैं। हर साल क्यों नहीं वैकेंसी सरकार निकालती है ग्रेजुएशन, जैसे +2 तो हर साल तो 10 लाख बच्चे कर रहे हैं, तो हर साल तो 10 लाख बढ़ रहे हैं, तो वह बच्चा जो मान लीजिए जो 2020 में 10 लाख बचाव किया और जो फिर 2021 में करेगा, तो 2020 वाले को अगर जब सीख नहीं मिलेगा तो उसके लिए तो 10 लाख पहले और 10 लाख अभी जोड़ के तो 20 लाख उसका कंपटीशन ऐसे ही हाई हो जा रहा है। तो यह सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर साल जिस तरह का अगर बोर्ड एग्जाम हो रहा है उस तरह से कंपटीशन का भी हर साल ध्यान देना चाहिए। हर साल रोजगार के मतलब जैसे बिहार सरकार है, जैसे SSC की देखिए 2014 का एग्जाम एक पेपर लेकर 2019 में पेपर लिए हैं 20 में, ऐसा हाल है। अब इस बार के CGL का रिजल्ट देखिए जो एक महीने पहले आया है, जो लड़का 200 में 191 लाया है उसका जब ये क्या होता है
नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो माइनस में 400 नंबर गया है। इस बार का रिजल्ट बता रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल का, जो लड़का 191 ला रहा है 200 में इंग्लिश में, उसका माइनस में 450 नंबर मैथ में आ रहा है। ये कहाँ का सिस्टम, कौन सा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम ये बना रहा है सरकार, क्यों जो 200 में 191 नंबर लाने के बाद भी मतलब वो 450 माइनस में लेकर नंबर जा रहा है। यार इसका मतलब आप जोड़िए ना कि 450 200 650 माइनस में वो लड़का जा रहा है। तो सरकार के पास जब अगर सिस्टम नहीं सही है तो लड़का को रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसका मतलब जिसको पैरवी है उसको नौकरी है, नहीं तो नहीं है। बिहार पुलिस की रिजल्ट देखिए, क्वेश्चन आउट करके लेकर रिजल्ट लाया, जितना जो पास जिसके पास पैसा था वो क्वेश्चन रुपया खरीद के लाया, उसके बाद दौड़ में पैसा दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट में दिया, उसको नौकरी लिया। जिसको नहीं है वो नहीं कर रहा, मेरिट वाले लड़के घूम रहे हैं और बिन मेरिट वाले पैसे जिसके पास वो नौकरी कर रहे हैं। ऐसा तो बिहार का स्थिति है। ये बोलने हमारे बोलने किसी बोलने से सरकार सुधारने वाला नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो बहाली आएगा, या केंद्र का हो या बिहार का हो। केंद्र सरकार का भी यही हाल है, जब से मोदी जी आए तब से रेलवे का बहाली बंद था, और जैसे ही 2019 में चुनाव आया तो रेलवे की बहाली आ गई, एक एग्जाम लेकर और दूसरे एग्जाम का फॉर्म बहाली करते लगवा कर अभी तक एग्जाम की कोई पता नहीं है। देखिए एनटीपीसी अब ले रहा है, वो भी बच्चे लोग हल्ला किए तो, नहीं तो ये बिहार सरकार का कोई मकसद नहीं है या केंद्र सरकार के कि युवा या पढ़े लिखे लोग को हम आगे बढ़ाएं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव एकदम सही बोल रहे हैं कि 15 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है? बन जाएगा 2-3 महीने बाद, देखिए आरजेडी का सरकार बन जाएगा। तेजस्वी हम लोग लाए बस, और कोई नहीं, सब सही है वो, कोई नहीं, कोई को नहीं चिंते हम लोग। बिहार में तो बेरोजगारी है, रोजगार कहाँ है? जो लालू जी ने कह दिए हम लोग को, सभी को पता है, वो हम लोग के लिए काटी फैक्ट्री भी देना चाहते थे, चीनी मिल भी देना चाहते थे, वो अभी आकर क्या हो गई, सब सील हो गई, बैंड हो गई। धीरे धीरे रोजगार की समस्या बढ़ते भी जा रही है, कंपटीशन भी देखिए तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग को भी पता होनी चाहिए। रोजगार के नाम पे तो सरकार ये बरगला रहा है, और क्या करेगा ये। क्या लगता है रोजगार नहीं मिल रहा बिहार में युवाओं ना? फेंकू है मैडम, रहने दीजिए ना, काय बोलते हैं, जो सरकार में है और कौन रहेगा। शिकायत है आप? शिकायत मेरा क्या, पूरा पब्लिक का है, रोजगार महंगाई और क्या रहेगा, और कुछ नहीं। नीतीश कुमार का वादा खोखला? हाँ खोखला ही रहता है, उनको सिर्फ वो कुर्सी कुमार के रूप में बैठे हुए हैं, बस उनको अपना राज करना है। सही बोल रहे थे तेजस्वी यादव, सही बोल रहे हैं, 15 लाख छीन ही लिया, बशर्ते युवाओं को मिल भी नहीं रहा है, कोई रोजगार भी नहीं दे रहा है, और ये निकम्मी सरकार की तरह हो गई। युवाओं को इस पर कोई विचार ही नहीं, ध्यान नहीं, तालिबान के बारे में सिर्फ चर्चा हो रहा है और मुद्दा को भटका रहा है, और युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा अभी तक। देखिए ना, मैं नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि कोई भी सरकार अपने फायदे को देखते हुए आती है। केंद्र में मोदी जी भी आए थे तो बोले कि युवा के बल पर आए थे, आज वो युवा को ही बैकफुट पर डाल दिया है, और तो इस अब जब केंद्र में ही नहीं है तो स्टेट में क्या कर सकते हैं। बिहार में रोजगार देने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की, आपको क्या लगता है, मतलब वो फेल है या पास है? ऑफकोर्सली फेल है, उससे पहले नीतीश कुमार के शासन से भी पहले जो था उस समय वैकेंसी नहीं थी, आज भी वैकेंसी नहीं है। ये तो सही बात है कि बहुत सारा ऐसा अभी रोजगार जो है मिल नहीं रहा है, बहुत सारे युवा जो है अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, प्लस में जो भी सरकारी भी वो वैकेंसी आती थी वो भी प्राइवेटेशन हो गई है, उस भी कॉन्ट्रैक्ट पे ना वो भी सही से हो नहीं रही है। उसके बाद अभी युवा लोग को जो स्थिति है उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में हद से ज़्यादा बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तेजस्वी यादव मतलब सही बोल रहे हैं कि 15 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है? ये तो देखिए, जैसे ही प्राइवेट सेक्टर हुआ है उस समय से सरकारी और प्राइवेट में लोगों को कुछ तो छीना गया है। जहाँ पे वो 10 लोगों काम कर रहे थे वहाँ पे आजकल क्या है कि टेक्नीशियन सिस्टम से दो आदमी की ज़रूरत पड़ रही है, तो 8 आदमी तो यहाँ पे तो बेरोजगार ही हो गए ना, तो बहुत तरह का तो है ही बेरोजगारी तो पूरा है बिहार में। हाँ मुझे लगता है कि बहुत सही बात है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ऑलरेडी इतना ज़्यादा रोज़गार छीन चुका गया है, और ऊपर से नीतीश कुमार मतलब बोले हैं ऐसा, पर वास्तविकता में क्या कर रहे हैं वो देखिए, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सही कह रहे हैं।
और उनके अकॉर्डिंग ये सही है। नीतीश कुमार हमारे सीएम को इस बारे में सोचना चाहिए और उस बारे में आगे कुछ रोजगार के लिए नए नए तरीके निकालने चाहिए। बहुत ही हालत खराब चल रहा है यहाँ पे रोजगार का। बिहार में रोजगार की बात करें तो आप एक युवा है, क्या क्या लगता है बिहार में कितनी क्या स्थिति है रोजगार? बिहार में रोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है। हम लोग ऐसे भी देखेंगे तो कोई भी युवा बिहार से बाहर ही जाकर रोजगार करना चाहता है, बाहर ही पढ़ना चाहता है। तो इस बारे में सोचना चाहिए। मतलब हम खुद अगर अपना बात करें तो हम भी तो बाहर ही जाकर ही रोजगार ढूंढेंगे। यहाँ पे बिहार में क्या ही मिल रहा है, ना सरकारी से लेकर ना कोई चीज़ में प्राइवेट, सब में तो वही हाल है। देखिए जॉब मिले, मतलब जॉब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरत है। आप कितना भी बोल लीजिए, जब तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा आप जॉब दोगे किस चीज़ पे? ना इंडस्ट्री है ना और कुछ है। तो अभी तो बहुत मेहनत पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले सेटअप करनी पड़ेगी। तो आपने देखा जो बिहार के युवा हैं उनका रोजगार के मामले में क्या कहना है। जब हमने उनसे सवाल किया कि जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने कहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देना तो बहुत दूर, उल्टा 15 लाख लोगों का रोजगार छिन चुका है। इसमें बहुत सारे युवाओं की बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, साथ ही कई युवा तो ये भी कहते हुए दिखे कि बिहार में अगर रोजगार चाहिए तो आपके पास मेरिट लिस्ट या पढ़ाई की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास पैसा होना चाहिए और नेताओं से खासकर पहचान होनी चाहिए। अब देख रहे हैं लाइव सीरीज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।